फाइनल आंसर क्या होगा? 300 में से 200 माइनस कर, यानी छठे इनिंग में कितना स्कोर करना है? 100। बड़ा अच्छा सवाल फास्ट के पास पेपर का। मैन स्कोर 100 रन्स इन इज 9 इनिंग। 9 इनिंग में उसने क्या किया? 100 रन बना लिए बच्चों। रेजेस इज एवरेज बाय 6 रन, जिससे उसका एवरेज 6 रन बढ़ गया। वॉट इज इज एवरेज आफ्टर द 9 इनिंग, यानी देखो 8 इनिंग तक उसका स्कोर जो भी था, नवी इनिंग में कितने किए? 100 रन, तो उससे एवरेज 6 रन बढ़ गया। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो शुरू की 8 इनिंग में उसका एवरेज होगा कितना होगा? x होगा। और उसके बाद एवरेज में इजाफा हो गया, कितना हो गया? x प्लस 6, 6 बढ़ गया ना। तो एक फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू n1x1 प्लस n2x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। N1 जैसे कि नंबर ऑफ इनिंग्स, 8 इनिंग्स तक उसका स्कोर 8 है। N1 हो जाएगा 8, X1 हो जाएगा X। अब N2 कौन सी इनिंग? नवी इनिंग। तो देखो सिर्फ एक ही इनिंग है ना भाई, 9th इनिंग्स, 9th वर्ड है, इनिंग्स तो एक ही है, तो N2 की जगह मैं क्या लूँगा? 1 लूँगा। ये बड़ी अहम बात है। और X2 की जगह हमारा 100 हो जाएगा। N1 प्लस N2 यानी 8 प्लस 1 9, और अर्थमेटिक मीन क्या है? x प्लस 6। सो हमसे कह रहे हैं व्हाट इज़ एवरेज आफ्टर 9 इनिंग, यानी x प्लस 6 निकालना है। तो भाई x प्लस 6 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले x निकलेगा, उसमें हम क्या करेंगे? 6 प्लस कर देंगे। तो देखो साफ दिख रहा है ये 8 प्लस 1 9 है, 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? x प्लस 6 से। 9 को x से मल्टीप्लाई करो 9x, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो 54, 8x प्लस 100। अब ये 8x इधर आ गया 9x में से, माइनस x हो गया 54, 100 में से उधर जाके माइनस 46 हो गया। 46 तो x आए, हमें x नहीं निकालना था बल्कि x प्लस 6 निकालना था। तो सीधी साधी बात है, 46 में 6 प्लस कर दो कितना हो जाएगा? 52। आंसर साले, ब्रांड ए कॉफ़ी कॉस्ट $5 पर kg एंड ब्रांड बी कॉस्ट 8 kg, यानी ब्रांड ए की कीमत जो है वो 5 केजी डॉलर और ब्रांड बी की 8 केजी डॉलर। इफ 3 केजी ऑफ ब्रांड ए एंड 2 केजी ऑफ ब्रांड बी आर मिक्स टुगेदर, अब 3 केजी ब्रांड ए के लिए हमने, 2 केजी ब्रांड बी के लिए मिक्स टुगेदर, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट पर केजी ऑफ मिक्सचर? बड़ा अच्छा सवाल है। देखो N1 हमारा हो गया 5, ब्रांड ए की क्वान्टिटी बल्कि सॉरी कितना 3 केजी है ना, तो ये 3 क्वांटिटी को हम N1 N2 लिखते हैं, और 2 केजी हमारा N2 हो जाएगा। और X1 X2 क्या लेते हैं? जैसे कि रेड रुपीज़ वगैरह, तो जैसे कि हम कहते हैं भाई 7 घोड़े हैं और हर घोड़े का वज़न 600 केजी है, तो वज़न को हम X1 ले लेंगे, और तादाद को हमेशा N1 N2। तो ये रेड है, इसको X1 ले लो 5 केजी, ठीक है। और दूसरा ब्रांड बी का कितना है? 8, ये X2 हो जाएगा 8। फार्मूला बता चुका हूँ अर्थमेटिक मीन का, N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, यही हमारा आंसर है। सो बस वैल्यू पुट कर दो भाई और आंसर मुझे लाके बताओ। तो बड़ा अच्छा सवाल है, एवरेज वेट ऑफ 4 पीपल इज़ 150 पाउंड, इफ द हैवीएस्ट मैन इज़ रिमूव्ड एंड हिज वाइफ इज़ सब्स्टिट्यूट, जो एक हैवी बंदे थे ना वो रिमूव हो गए और उनकी बीवी यानी आंटी जी आ गई। द एवरेज वेट ड्रॉप्स टू 140 पाउंड, व्हाट इज डिफरेंस इन द वेट ऑफ द मैन एंड वोमेन? पूरा ये होना चाहिए मैन एंड हिज वाइफ। सो डेयर बड़ी अच्छी बात है, देखो एक सिंपल ट्रिक लगाएंगे। 4 लोगों का एवरेज शुरू में 150 था, अब ये गिर के कितना हो गया? 140। तो कितने का डिफरेंस आया? तो देखो एक बंदे पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, और टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग, क्योंकि मैन की वाइफ है, लोग तो 4 ही रहे। 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 का कितना होता है? 40। आंसर 41। एवरेज ऑफ 10 बॉय इज इंक्रीज बाय 1/4 ईयर व्हेन वन ऑफ देम हुज एज वाज 13.5 ईयर रिप्लेस बाय अ न्यू बॉय, व्हाट इज एज ऑफ द न्यू बॉय? तो कह रहे हैं एवरेज जो है 10 बॉयज का इंक्रीज हो रहा है 1/4 ईयर, ओके जी 1/4 ईयर, व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट वाज 13.5 ईयर रिप्लेस बाय न्यू बॉय, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू बॉय? यानी रिप्लेस वैल्यू। अब देखो हमें चाहिए न्यू वैल्यू और ये रिप्लेस वैल्यू है, ठीक है।
अब सबसे अहम बात नंबर ऑफ बॉयस, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयस अब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब ये जो पुरानी वैल्यू है कितनी है, 13.5 ईयर। कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, 10, और इंक्रीज कितना हो रहा है, 1/4। 1/4 डेसिमल में वैसे कितना होता है, 0.25। अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा सवाल हो, रिप्लेसिंग वैल्यू, न्यू वैल्यू इक्वल किसकी होगी, रिप्लेसिंग वैल्यू प्लस। हाँ, अगर प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होता तो माइनस आता, नंबर मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज। नंबर यानी नंबर ऑफ बॉयज, जैसे कि 10 है, 10 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 आएगा। 13.5 प्लस 2.5, फाइनल आंसर 16, एंड दिस इज योर आंसर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नोट डाउन। मैंने अपने तौर पे समझाया ना, एनवी से मुराद है मेरी न्यू वैल्यू, यानी हमें जो न्यू बॉय की वैल्यू पूछ रहे हैं, और आरवी यानी ये रिप्लेसिंग वैल्यू जो 13.5 हमने रिप्लेस कर दिया। नंबर यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जैसे कि 10 है, और INC यानी इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है, 1/4, जो कि 0.25 के बराबर हो।